एक दिल होकर एक मन होकर प्रभु के उस पांच जख्मों पर मनन चिंतन करें। कैसा था वो रास्ता जब उसके ऊपर थूका गया, उसके ऊपर कई बातें करी गई जो वो उस बातों के योग्य नहीं था, वो बातें उनके चरित्र पर करी गई, उनके हाथों में कील जड़ी, पांव में कील जड़ी, उनकी पसली में भाला मारा गया, सर पे कांटों का ताज रखा गया। वो केवल और केवल प्रभु का आभार प्यार था हम सबों के लिए कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सबों के लिए कुर्बान कर दिया। प्रभु की इस महान कुर्बानी के लिए, उसके महान बलिदान के लिए आइए सब जन प्रभु के वो पांच जख्मों पर मनन चिंतन करते हुए उसकी ओर अपना ध्यान लगाएं। आराधना तेरी आराधना आराधना।
यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना। स्त्रोत संख्या 48 पद संख्या 15। स्त्रोतकार कहता है कि वह अनंत काल तक हमारा नेतृत्व करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस देश में वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस प्रदेश में वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे मैंने जो कहा है उसे पूरा ना कर दूं। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने तुमसे जो कहा है उसे पूरा ना कर दूं। आज की एक करुणा माला विनती में मैं विशेष रूप से आप सब लोगों को जो मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में एक हैं और इस वेदी के सामने उपस्थित हैं समर्पित करता हूं। प्रभु आपके परिवारों को आशीषित करे, पवित्र रूह का मसा आप लोगों पर उतरे। बड़ी श्रद्धा और भक्ति से प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए आज की इस करुणा माला में हम भाग लें, मध्यस्थता करें, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष का दुगना मसा प्रदान करें। इसी विश्वास के साथ आइए हम एक साथ मिलकर बोलें, प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसी वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा
द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, तेरे लिए बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। दूसरा भेद हम अर्पित करते हैं सभी बीमारों के लिए। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम प्रभु के घावों के द्वारा चंगे हो गए हैं। स्रोत संख्या 41 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु रोगशैया पर रोगी को सांत्वना देता है। आज जितने भी लोग इस वक्त अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, ऑपरेशन थिएटर में हैं, हे प्रभु उन पर दया कर जो लकवे से और तमाम लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं। हे प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान कर। उन डॉक्टरों को जो इनका इलाज करते हैं, हे प्रभु उनके हाथों को शुद्ध कर, पवित्र कर। उन औषधियों पर तेरे रूह का मसा उतरे। विशेष तौर पर भाई पीटर जॉन के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो अस्पताल में है। प्रभु उन्हें आशीष दे। और ऐसे तमाम भाई बहन जो रोगशैया पर हैं, प्रभु उनकी रोगशैया का बिस्तर बदल दे। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका जवाब होगा, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा
हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। देखा पावन गाँव में तेरा प्यार, देखा पावन गाँव में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को, चंगा करने की तेरी शक्ति को, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूं देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की, देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। ये यशायाह नबी का ग्रंथ है, अध्याय 41 पद संख्या 13। प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे ये कहता हूँ, डरो मत, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। प्रभु आपसे ये कह रहा है, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हारी सहायता करूँगा। इसलिए बाइबल हमें बताती हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 में, कि तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कामों में उसका ध्यान रखो और वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत सारे लोगों के मार्ग प्रशस्त नहीं है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि पर भरोसा किए हुए हैं। वादा ये करता है परमेश्वर कि मैं तेरा ईश्वर हूँ, तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे रास्ता दिखाऊंगा, तेरी सहायता करूंगा। आइए इस वक्त हम अपने परिवारों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे बच्चों को पर दया कर, बुजुर्गों पर, माता पिता पर दया करें, बिजनेस पर, नौकरी पर, मेहनत पर, मजदूरी जो हम करते हैं उस पर प्रभु दया करें और हम उस पर भरोसा रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और हमारी संतानों पर दया कर, हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान
के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारी संतानों पर दया कर। खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चरगाह तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चरगाह तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। प्रियजनों, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 11, प्रभु ये कहता है कि वह निरंतर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता रहेगा। वो तो हमारे नजदीक रहता है, हम ही उससे दूर चले जाते हैं। इसलिए इंसान के लिए निहायत ही जरूरी है कि वो परमेश्वर की हजूरी में रहे, अपने 100 काम करे परंतु परमेश्वर के साथ में रहे। परमेश्वर भी यही चाहता है, क्योंकि उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हम उसमें चलते हैं, उसमें उठते बैठते हैं। स्रोत संख्या 139, संत पौलुस कहता है कि उसी में हमारा अस्तित्व है, और यीशु ने कहा कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए पुरानी व्यवस्था में हम बार बार यही पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर यही कहता आया, मैं पवित्र हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, घबरा मत, डर मत, साहस रख और दृढ़ बना रह, मैं पवित्र हूँ और तुझे पवित्र करूंगा। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम चौथा भेद समर्पित करते हैं आज विशेष रूप से, कि हम सभी लोगों को विश्वास और दृढ़ता का वरदान मिले, पवित्रता का वरदान मिले। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे, हम अपने देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इन तमाम लोगों पर दया प्रदर्शित करे, जिससे कि वे लोगों की निस्वार्थ रूप से सेवा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता
तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। पूरा कर दिया है, अपनी पात्रों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, अपनी पात्रों से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई, मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। योहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 और 21 कि जैसे तू और मैं एक हैं, यीशु कहता है पिता से विनती करते हुए कि हे पिता, जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और तू मुझ में रहता है और मैं तुझ में रहता हूँ, जैसे मैं और तू एक है वैसे ही ये लोग भी एक हो जाएं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके लिए और मेरे लिए निरंतर बिछवाई करता है, प्रार्थना करता है, और यह कार्य पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है, इसीलिए आप इस करुणा वाला विनती में प्रार्थना कर रहे हैं, दुख भोग पर मनन चिंतन कर रहे हैं, इसीलिए आप नतमस्तक हैं, क्योंकि बाइबल में बताती है कि तू प्रार्थना सुनने वाला ईश्वर है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू उनकी दुआओं को सुनता है। तेरा कान बहरा नहीं है, तेरा हाथ छोटा नहीं है, तेरी आंखें सब कुछ देखती हैं, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं कि तू उन पर दया करे। इसी भरोसे के साथ हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, धर्म बहनों, धर्म संघियों, प्रचारकों के लिए, कि वे प्रभु के लिए पवित्रता पवित्र बने रहें, प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचा सकें, प्रभु के आशीष इन तमाम लोगों के द्वारा लोगों के जीवन में आ जाए,
इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों एवं धर्म संघियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारी, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमेन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु यीशु, हम तेरा निमंत्रण स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को, जो कष्ट, पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमेन।
हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता ईश्वर हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर, यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो सत्य बता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर, यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर, यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर, यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर, यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर, यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब गुणों के यथा समुद्र हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर, यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया हम पर दया कर, यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर, यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर, यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर, यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ में आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु क्षमा कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन, हे परमेश्वर के मेम ने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर, हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे, हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे, हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे, जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं। यह आशीष और अनुग्रह का समय है, परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल, जिन्होंने तेरे सम्मुख उपस्थित होकर हे प्रभु यीशु तुझसे आर्त निवेदन किया है, तेरी दया की याचना की है, इनके परिवारों पर दया करने की कृपा कर। हे प्रभु निराश और हताश लोगों को सांत्वना दे, जो बीमार हैं रोग शैया पर हैं चंगाई प्रदान कर, जो हृदय से टूट चुके हैं उन्हें हिम्मत और हौसला दे। हे प्रभु यीशु जो विश्वास की कमी के कारण तुझसे दूर चले गए अपनी ओर लाने की कृपा कर। जिनके परिवारों में मनमुटाव है अशांति है इनके जीवन को शुद्ध कर पवित्र कर। जो अपने जीवन की बदकारियों के द्वारा विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं हे प्रभु इन्हें क्षमा करके इनके जीवन में उन्नति की कृपा दे। हे पिता ईश्वर अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर दया दृष्टि डाल, जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया गया है उस पर ध्यान देने की कृपा कर। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। की प्रभु आपको आशीष दें और उसकी आशीष आपके घर में सदा बनी रहे। संध्या 7 बजे फिर आपके साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर की आशीष में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।